प्राचीन समय में योगी जन कंठकूप में संयम कर भूख प्यास से निवृत्त हो जाते थे। कंठकूपे छुत पिपासा निवृत्त है, कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास से छुट्टी, ऐसा योगी जन करते। उन्हें रहना है समाधि में, मान लीजिए 6 महीना रहना है समाधि में, समाधि में रहना है। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी भगवान 6-6 महीने के अखंड समाधि में वृत्तकूट आश्रम की गुहा में बैठे हैं, तो बैठे हैं। शिष्य ले जाता है स्वामी जी के लिए कुछ आहार, कुछ अन्न रख देता है। दूसरे दिन देखता है कि वैसे का वैसा ही पड़ा है, वापस लेते आता है। बारंबार ये घटनाएं हो रही है। सदगुरु की चेतना ऐसे दिव्य मंडल में स्थित है जहां न भूख है न प्यास है, वो तो अपने आनंद में स्थित है। उनके प्राणों को भूख लग रही है क्या? भूख प्यास निवृत्त हो गए। 6-6 महीने तक अखंड समाधि में है। कंठकूपे छुत पिपासा निवृत्ति, कंठकूप है यहाँ जो गड्ढा है, यहीं पर संयम करने से ऐसी शक्ति निर्मित होती है। हमें इसका अभ्यास नहीं करना, हमें जो बताया गया उसी अभ्यास में गतिमान रहना है। योग का क्षेत्र बहुत रहस्यमय है, निराला है। हमारे शरीर में 5 प्राण है, 5 उपप्राण है। ये आकाश शरीर में समस्त अवकाश प्रदान, ये आकाश तत्वों से बने हैं। शरीर बना है, आत्मा थोड़ी बनी। आत्मा मिट्टी से नहीं बनी, पृथ्वी से नहीं बनी, वो ठोस नहीं है। इन पदार्थों के सम्मिश्रण से शरीर बना है और नष्ट हो जाता है क्योंकि यह निर्मित हुआ है। इसके नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट नहीं होती। ये पदार्थ आत्मा को नहीं मार सकते। पृथ्वी आत्मा को छू नहीं सकती, पृथ्वी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। पृथ्वी मतलब जो भारी है, जो हथियार है। अग्नि आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकती, अग्नि आत्मा को छू नहीं सकती। शरीर को जलाओ तो जलाओ, अग्नि शरीर को ही जलाती जा रही है, आत्मा को छू नहीं सकती। अग्नि जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता, जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता। वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती, वायु आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकती, वायु आत्मा को छू नहीं सकती। आकाश कुछ नहीं कर सकता, ये सब मिलकर आत्मा को मार नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का निर्माण इन तत्वों से नहीं हुआ। वो सदैव है, नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, निरंतर वो प्रवाहित है। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता हुआ इस बंधन में है।
तो जो बंधन को देखता है, जो दुखों को देख लेता है, वाय रूप से भौतिक रूप से सुखी भी है तो उसके भीतर के दुख को देख लेता है, जो बंधन को देखता है, जो दुखों को देखता है, वही इससे निवृत्त होने का मार्ग भी ढूंढ लेता है, मार्ग भी ढूंढ लेता है। महापुरुष तो दूसरों के दुख को देखकर दुखों से निवृत्ति का मार्ग प्रकट कर देते हैं। हमारे इतिहास, भारत का इतिहास भरा पड़ा है, जब दूसरों का दुख देखकर दुखों से सर्वथा निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। जा में सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भव को। स्वरवेद की वाणी कहती है। ऋषियों ने कहा इस संसार के सुख में चार प्रकार के दुख हैं, एक नहीं चार चार प्रकार के परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध का दुख। संसार के सभी विषय दुख रूप है तो है, मां के गर्भ में कितनी पीड़ा का अनुभव हुआ, ना जाने कितनी बार बेहोशी की हालत में पहुंच गए, मां से भी कई गुना ज्यादा कष्ट भोगता है गर्भस्थ, मलमूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गया, घोर पीड़ा का अनुभव हुआ। जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है, प्राणों के छूटने का भय कितना है, प्राणों के छूटने का भय कितना है। एक बार हमारा प्राण छूटा है, एक बार आए हैं मां के गर्भ में उल्टे लटक गए घोर अंधेरे में, प्रभु से प्रार्थना करते हैं बाहर निकालो प्रभु, आपकी भक्ति करूंगा। मृत्यु की वेदना का हमने अनुभव किया है, जब भी प्राणों पर संकट आता है तो सभी घबरा जाते हैं, प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे शरीर वाले से लेकर बड़े शरीर वाले तक, क्यों प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं, क्या बात है, प्राणों से इतनी आसक्ति क्यों है, प्राणों से इतना मोह क्यों है। क्योंकि हमें पता है कि प्राणों के छूटने पर कैसा दुख मिला है, प्राणों के छूटने की पीड़ा क्या होती है। एक बार प्राण छूटा है, अनंत 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 बार, और ये सारे दुख के संस्कार हमारे चित्त में ही स्थित है, ऐसा कैमरा ईश्वर ने लगा दिया है, ऐसा कैमरा लगाया हमारे चित्त में, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं, और जब भी ऐसा अवसर आता है वो सामने आ जाता है। जब प्राणों पर संकट आएगा, मृत्यु सामने आएगी, तो वो सारे संस्कार उभर कर सामने आ जाएंगे। देखो तुम्हारा शरीर छूटा था, पुनः वैसा अवसर आ रहा है, तो घबरा जाता है, प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहता है, क्योंकि प्राणों के छूटने का भय स्थित है। चित्त में अनंत अनंत जन्मों के सुख के दुख के संस्कार दबे भरे पड़े हैं,
अनादिकाल से आत्मा इस शरीर और संसार में है, जो इस दुख का अनुभव करता है वही इससे निवृत्ति का मार्ग ढूंढ लेता है। दुख नहीं चाहिए, न जन्म का न मरण का दुख नहीं चाहिए, न मैं तू यह वह मेरा तेरा का दुख नहीं चाहिए। ईश्वर आनंदमय है, समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है, सुसुप्ति में दुख नहीं है। तो प्रतिदिन जो घटनाएं घट रही है उनके पीछे कितना बड़ा रहस्य संकेत भरा पड़ा है। गाढ़ी नींद में जब हम सो जाते हैं, गाढ़ी नींद में, तो कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, मैं तू यह वह मेरा तेरा, कोई अशांति, कोई उपद्रव गाढ़ी नींद में, कोई अनुभव नहीं है इसका। ऋषि कहते हैं समाधि सुसुप्ति मोक्षे ब्रह्म रूपता। सुसुप्ति में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है, तो नहीं है दुख। कण मात्र भी वहां स्पर्श नहीं कर सकता, दुख की गति है नहीं वहां, वहां आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तो जीवन के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखना, जो स्वयं जगा है वही दूसरों को जगा सकता है, जो लक्ष्य पर गतिमान है वही दूसरों को लक्ष्य से केंद्रित कर सकता है। अब देख लिया संसार में सब, देख लिया, जान लिया, समझ लिया, अब निज घर चलना है, स्वयं के घर चलना है। मृत्यु लोक में मुर्दों के शहर में नहीं आना। तो संकल्प है मुक्ति का, भक्ति के पथ पर गतिमान है वो। सेवा के पथ पर गतिमान है वो। कल्याण के पथ पर गतिमान है वो। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस पथ पर गतिमान है, यही शिष्य है, यही साधक है, जो लक्ष्य पर केंद्रित है, लक्ष्य पर केंद्रित। तो स्वरवेद हमें लक्ष्य से जोड़े रखता है, स्वरवेद की वाणियां गूंजे जन जन तक, ये मात्र आवश्यक नहीं है, ये अनिवार्य है, जिसे कहे अनिवार्य है। वो आत्माएं खींची चली आएंगी जब ये स्वर उनके कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होता है। अनेक स्थानों पर संगीतमय स्वरवेद की मंडली बन रही है, वो बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा भाव से संगीतमय वातावरण में स्वरवेद के दोहों का गायन करते हैं, जय स्वरवेद कथा का गायन करते हैं, सत्संगों में करते हैं। तो अपने सिद्धांत को जन जन तक लेकर जाने के लिए हमारी यह जो मंडली है इसका विशेष प्रकाश होना चाहिए, ये मंडली खूब खूब बने, इसका हमें प्रयास करना चाहिए।
अनेक अनेक स्थानों पर ये संगीतमय स्वर वेद मंडली का विकास हो, गांव गांव में, कस्बों कस्बों में जाकर स्वर वेद की स्वर लहरियों के माध्यम से विहंगम योग का प्रचार प्रसार आगे बढ़ सके, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। एक अद्भुत परिवेश निर्मित हो जाता है जब संगीतमय वातावरण में सदगुरु का स्वर गुंजायमान होता है, सदगुरु की वाणी गूंजने लगती है। अनेक अनेक स्थानों पर सिद्धांत को जन जन तक लेकर जाने का यह कार्य प्रारंभ हुआ है। इसको और गति देने की आवश्यकता है। सिद्धांत का प्रचार ही विहंगम योग का प्रचार है। स्वरवेद को जन जन तक लेकर जाना, स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाना, यही तो सदगुरु का कार्य है, यही तो विहंगम योग का प्रचार है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश पहुंचाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं, जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। इन वाणियों में आनंद ही आनंद है, अध्यात्म का अनुभव ही भरा पड़ा है। तो स्वरवेद के प्रचार से ब्रह्म विद्या का प्रचार है। अनेकानेक भाई और बहनों ने स्वरवेद को जन जन तक पहुंचाया है, घरों घरों तक पहुंचाया है। हजारों भाई बहन आज भी निरंतर इस कार्य में लगे हैं, सद्गुरु की वाणी को, स्वरवेद को घर घर में स्थापित कर रहे हैं, घर घर में प्रकाशित कर रहे हैं। स्वरवेद की स्थापना, स्वरवेद की स्थापना ऋषित्व की स्थापना है, ऋषित्व की स्थापना है। जब सब बैठकर एक साथ इन वाणियों का पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं, सत्संग का एक विशिष्ट रूप ही उपस्थित हो जाता है। वाणी शुद्धि की क्रिया है, वाणी को शुद्ध रखना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, इन दिव्य वाणियों का आश्रय तो लेना होगा, इन अमृत वाणियों का आश्रय लेना ही होगा। हम अपने मन को नियंत्रित और संयमित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्वरवेद का आश्रय मात्र आवश्यक है क्या? अनिवार्य है। मन को जितना श्रेष्ठ विचारों और भावों से भरेंगे, मन उतना ही अधिक नियंत्रण में आएगा। मन के नियंत्रण की विधि क्या है? मन को श्रेष्ठ पवित्र भावों और विचारों से निरंतर गतिमान रखना है।